आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेती हूँ उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताज़ा और बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा में होगी और कड़ाई, नकल करने वालों पर लगेगी रासुका। क्या है NSA, कितनी सजा है यह सब भी जानिए। वाराणसी में निवेशकों ने दिखाई पर्यटन क्षेत्र में दिलचस्पी, 46,000 करोड़ का MOU, 95,000 नए रोजगार आएंगे। यूपी के 72,000 किसानों को इस योजना से होगा सीधा लाभ, योगी सरकार के मंत्री ने बताया तरीका। मुख्तार अंसारी के जिले से योगी की हुंकार, अपराध पर करारी चोट का जीता जागता उदाहरण है गाजीपुर। राज ठाकरे को धमकी, योगी सरकार पर हमला, पहलवान को मंच पर मारा था थप्पड़, पहले भी विवाद में रह चुके ब्रजभूषण सिंह। वाराणसी में अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बनेगा बच्चों का आधार कार्ड, जाने तरीका व अन्य जानकारी। प्रयागराज माघ मेला, मौनी अमावस्या पर आज से स्पेशल ट्रेनें, मेला क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित। MLC चुनाव से पहले भाजपा को बड़ी राहत, जाने माने शिक्षक नेता अशोक ठाकरे पार्टी में शामिल। फोन नंबर बदलने से यूपी के 33,00,000 किसानों का PM निधि सम्मान का पैसा फंसा। गोंडा में आए पहलवानों ने कुश्ती प्रतियोगिता का किया बायकॉट, सीनियरों के प्रदर्शन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर में बारिश, 27 तक अलग अलग हिस्सों में होगी बूंदाबांदी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, PM मोदी करेंगे उद्घाटन, राष्ट्रपति करेंगे समापन, अदानी और अंबानी कर सकते हैं बड़े निवेश की घोषणा। लव के खिलाफ नहीं, लव जिहाद स्वीकार नहीं, RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले, देश को युवा शक्ति की जरूरत। अलीगढ़ के विकास को लगेंगे पंख, ADO को मिले 2,366 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 5 हुए करार। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यूपी से बिहार जा रही थी शराब की तस्करी, तरीका देख पुलिस भी रह गई सन्न। गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद, BJP अध्यक्ष JP नड्डा बोले, गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृत सरोवर पर होगा ध्वजारोहण, उप मुख्यमंत्री केशव ने दिए निर्देश। देवरिया सड़क हादसा, मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। रूस की पीठ में पाकिस्तान ने घोपा छुरा, उसी को दोस्त भारत की तरह सस्ता तेल देंगे पुतिन, ऐसी क्या मजबूरी। ब्रजभूषण मान चुके हैं उन्होंने एक हत्या की, दाऊद से कनेक्शन के आरोप में तिहाड़ में भी रहे, पहलवान को मंच पर मारा था थप्पड़। इंडिया ऑयल डिपो के पास मकान में फटा सिलेंडर, छत ध्वस्त, महिला की हालत नाजुक। राज्य विश्वविद्यालय में अलीगढ़ में मलखम चैंपियनशिप, 22 जनवरी से 65 विश्वविद्यालयों की 130 टीम में लेगी भाग। शहरों को करबला बना देंगे नुपुर शर्मा का जिक्र कर JDU नेता की भड़काऊ बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में 150 किमी के दायरे में कैंसर संस्थान देगा मुफ्त इलाज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर जल्द शुरू होगी कैंसर की मुफ्त जांच। यूपी में उद्यमियों को मिला भयमुक्त वातावरण, मेरठ इन्वेस्टर्स समिट में 16,000 करोड़ निवेश के मिले प्रस्ताव। यूपी बोर्ड परीक्षा में होगी और कड़ाई, नकल करने वालों पर लगेगी रासुका। क्या है NSA, कितनी सजा है यह भी जानिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार पहले से ज्यादा कड़ाई की जाएगी, नकल करने वाले परीक्षार्थी पर रासुका की कार्रवाई होगी। बता दें कि प्रश्न पत्र रखने का कक्ष प्रधानाचार्य रूम से अलग बनाया जाएगा, सामूहिक नकल मिलने पर तत्काल परीक्षा निरस्त, साथ ही परीक्षा केंद्र को डिबार कर दिया जाएगा। केंद्रीय व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की सूची जल्द तैयार की जाए, यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है, यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यूपी के 72,000 किसानों को इस योजना से होगा सीधा लाभ, योगी सरकार के मंत्री ने बताया तरीका। जी हाँ, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 55 मोटा अनाज प्रसंस्करण और पैकिंग के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इससे 72,500 किसान प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जन सामान्य को आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।
अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बनेगा बच्चों का आधार कार्ड, जाने तरीका व अन्य जानकारी। जी हां, वाराणसी जिले के अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों पर अब बच्चों के जन्म के बाद वहीं पर आधार कार्ड बनवाया जा सकेगा। इसके लिए आधारबद्ध जन्म पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 11 जगहों पर हो गई है। यहां लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं। मई CMA डॉक्टर संदीप चौधरी ने यह बताया है। हरियाणा राज्य में लागू आधारबद्ध जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया वाराणसी सहित 56 आकांक्षीय जिले में शुरू की गई है। प्रयागराज माघ मेला मौनी अमावस्या पर आज से स्पेशल ट्रेनें, मेला क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित। जी हां, माघ मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर पूर्वांचल और झांसी से दो दो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे से दो मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, वहीं एक ट्रेन गोरखपुर से और दूसरी ट्रेन भटनी से प्रयागराज के लिए चलेगी। MLC चुनाव से पहले भाजपा को बड़ी राहत, जाने माने शिक्षक नेता अशोक राठौर पार्टी में शामिल। यहां उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव से पहले इलाहाबाद झांसी सीट पर भाजपा के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। वित्त विहीन शिक्षक संघ के नेता अशोक राठौर भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं वित्त विहीन शिक्षक संघ से जाने माने नेता अशोक राठौर की भाजपा में शामिल होने से इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की जीत की संभावना को नया बल मिलने के कायस लगाए जा रहे हैं। शिक्षक नेता लंबे समय से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे। लॉ के खिलाफ नहीं, लव जिहाद स्वीकार नहीं, RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले, देश को युवा शक्ति की जरूरत। जी हां, RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कोई भी लॉ के खिलाफ नहीं है, लेकिन लव जिहाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रेम राधा कृष्ण की तरह हो तो सबको स्वीकार है, लेकिन प्रेम में वासना, नाटक और नाम धर्म छुपाकर प्रेम किया जाए तो इसका परिणाम बेटियों का कत्ल ही होता है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद ही असली राष्ट्रवाद है, उसी राष्ट्र पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद, BJP अध्यक्ष JP नड्डा बोले, गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गाजीपुर के मिशन 2024 का शंखनाद किया। ITI मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि मतों के सही उपयोग की जरूरत है, गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है, सही पर विकास के नए आयाम संभव हुए हैं। देवरिया सड़क हादसा, मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का तत्काल प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घायलों के समुचित चार के भी निर्देश दिए हैं। रूस की पीठ में पाकिस्तान ने घोपा छुरा, उसी को दोस्त भारत की तरह सस्ता देंगे पुतिन, ऐसी क्या मजबूरी। जी हां, यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई कर रूस की पीठ छुरा घोपने वाले पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि वह मार्च महीने से मास्को से सस्ता तेल आयात करने जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वह अपनी जरूरत का 35% तेल रूस से आयात करेगी। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक विशेष संदेश भी मिला है। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने में अपने अपने देश की गहरी दिलचस्पी को दोहराते हुए पुतिन इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया और इस्लामी दुनिया में अपने प्रमुख भागीदार के रूप में देखते हैं। शहर को करबला बना देंगे, नुपुर शर्मा का जिक्र कर JDU नेता का भड़काऊ बयानबाजी। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी JDU के एक नेता ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया है। JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग के करबला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम शहरों को करबला बना देंगे। बलियावी ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें जितनी गाली देना है दे लो, हमारे आका को कुछ मत कहना। यदि हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो अभी तो हम करबला मैदान में हैं, आका की इज्जत के लिए शहरों को करबला बना देंगे। यूपी में उद्यमियों को मिला भयमुक्त वातावरण, मेरठ इन्वेस्टर्स समिट में 16,000 करोड़ निवेश के मिले प्रस्ताव, पहुंचे मंत्री नंदी गोपाल। जी हां, मेरठ में इन्वेस्टर्स समिट हुई। समिट का शुभारंभ मंत्री औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन NRI एवं निवेश प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व माननीय मंत्री MSME ग्रामोद्योग रेशम हथकरघा उत्तर प्रदेश की श्री राकेश सचान द्वारा दीप प्रज्वल कर किया गया। मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी ने इस दौरान बताया है कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 प्रदेश में लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत निवेशक पूंजीगत ब्याज उपादान दोनों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही स्टाफ शुल्क पर 75% की छूट दी है। खबरों में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं।